जबलपुर के पाटन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी शिविर में महिला के ऑपरेशन के बाद उसकी मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने पाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने लाश को रखकर प्रदर्शन किया। पाटन के वार्ड नंबर 10 की पूर्व पार्षद पिंक चड़ार को सोमवार को नसबंदी का ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ी और पिंकी ने दम तोड़ दिया। बता दें, मेडिकल कॉलेज में उसका पोस्टमार्टम कराया गया और मंगलवार को गोसाई परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने जमकर हंगामा किया और पिंकी की लाश रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि टीटी ऑपरेशन के दौरान लापरवाही हो गई, जिसके चलते पिंकी की मौत हुई है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और दोषियों के ऊपर कड़ी कार्यवाही की भी मांग की है। पाटन अस्पताल के सामने हुए इस प्रदर्शन के दौरान पाटन एसडीएम और टीआई मौके पर पहुंचे व जमकर हंगामा के बाद परिजनों को अधिकारियों ने समझाइश दी। इसके बाद वह लाश को ले जाने के लिए तैयार हुए। परिजनों का आरोप है कि टारगेट के नाम पर जबरन नसबंदी ऑपरेशन हो रहे हैं, जिसका खामियाजा पिंकी को भुगतना पड़ा। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर कड़ी कार्यवाही की भी मांग की है। पोस्टमार्टम हुआ प्रिया का, वहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं इसकी जांच करेंगे, उस जांच में आप लोग अपनी सारी बात रख सकते हैं और अगर उसमें किन्हीं अधिकारियों का दोष पाया जाएगा उनके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और बोलो सर, कार्रवाई नहीं हुई, पेपर में कैसे छाप दिया कि उसके आगे आ गया? अरे पेपर के हमारे हाथ में मामला है, क्या हुआ? मेरा नाम राहुल कुमार चड़ार है, मेरी सिस्टर थी पिंकी चड़ार। कल पाटन में स्वास्थ्य शिविर में, वो स्वास्थ्य केंद्र में शिविर लगा था टीटीपी का ऑपरेशन का। वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे जितनी फॉर्मेलिटीज़ थी उन लोगों ने हम लोगों से ले ली, हम लोगों ने दे दी। उनका नंबर एक फर्स्ट में दिया था, फिर उन्होंने बोला कि इनका एक ऑपरेशन हो गया है तो इनका हम लास्ट में ऑपरेशन करेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही फिर वो अंदर गई हैं, उनको लेके गए हैं, तो उन लोगों ने उनका ना बीपी चेक किया है, ना उन्होंने ये चेक किया कि पेशेंट का जहाँ से कट कर रहे हैं वहाँ पे शून्य है कि नहीं है, कुछ नहीं किया। उन लोग डायरेक्ट ले गए, हम लोग जो स्टाफ के साथ में घर परिवार के लाख जो साथ में थे उन लोग को बाहर कर दिया, उनको अंदर ले गए। उन्होंने टाँका मारा है, पेशेंट बहुत तेज चिल्लाया माँ की आवाज़ को लेके, उसके बाद पेशेंट बिल्कुल टोटली बेहोश हो गया, उसके बाद होश ही नहीं आया। दो 15-20 मिनट उसको अंदर ही रखे रहे, ना हम लोग को मिलने दे रहे थे, ना कोई इंफॉर्मेशन दे रहे थे, ना कुछ बता रहे थे। जैसे ही पेशेंट को बाहर किया उसकी हालत बिल्कुल गंभीर थी, कुछ भी नहीं बचा था। उन लोगों ने फिर यहाँ पर ज़बरदस्ती मेडिकल रेफ़र कर दिया। उतनी टाइम ना हम लोग को कुछ बताया ना कुछ कहा। पेशेंट वहाँ से 3-4 किलोमीटर तक पहुँचा है, वहाँ से पेशेंट के बिल्कुल चेहरे पर पूरे वो स्पॉट देखने लगे थे ब्लू कलर के, जो भी था। फिर जैसे तैसे हम लोग यहाँ पे पहुँचे मेडिकल, तो कंडीशन उसकी टोटली बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। फिर उसके बाद कैजुअल्टी में ले गए, उन लोगों ने पहले ही बता दिया था, तो भी उन लोगों ने अपनी तरफ से एक बार प्रयास किया। उनसे जो भी प्रयास हुआ आधा एक घंटा उनने पूरा प्रयास अपनी तरफ से किया, उसके बाद उन लोगों ने बोल दिया कि सर कुछ नहीं है, डेड बॉडी है। क्या लग रहा है पूरा? ये लग रहा है कि पूरी वहीं से सादे से वो पूरी तो वहीं से लापरवाही है। क्या करती थी, क्या थी ये पूर्व पार्षद थी पहले? किस पार्टी से थी? भारतीय जनता पार्टी से थी। अभी वर्तमान में क्या कर रही हैं? वर्तमान में हाउस वाइफ हैं। क्या नाम है इनका, कहाँ के निवासी? पिंकी चड़ार पाटन। बच्चे? दो बच्चे हैं सर, एक बच्चा एक बच्ची। क्या उम्र उनकी? 35। आपका नाम? राहुल कुमार चड़ार। पाटन स्वास्थ्य केंद्र में महिला की मौत का मामला आया, परिजनों ने हंगामा किया, क्या मामला है और क्या राहत राशि प्रशासन द्वारा दी गई? जानकारी ये मिली है कि पिंकी चड़ार जो थी, श्रीमती पिंकी चड़ार, कल LTT ऑपरेशन के लिए यहाँ भर्ती हुई थी और उनका पंजीयन होने के उपरांत, पूरे डॉक्यूमेंट तैयार होने के उपरांत जब उनका नंबर आया तो उनको जब कट लगाया ऑपरेशन के लिए तो उनकी हालत बिगड़ने लगी। कार्डियक अरेस्ट की बात आ रही है कि कार्डियक अरेस्ट आया उन्हें, तो उनको CPR वगैरह दे के तो डॉक्टर्स ने इसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। वहाँ 3-4 घंटे भर्ती रहने के बाद वो उनकी मृत्यु हो गई।
उसके उपरांत आज उनका पीएम होके मेडिकल कॉलेज से बॉडी जब यहाँ लेके आए तो परिजनों ने अस्पताल के सामने उसको टक्कर हंगामा करना शुरू कर दिया कि इसमें स्वास्थ्य डॉक्टरों की लापरवाही है और कुछ आर्थिक मदद जो भी होती हो देने की मांग की। तो जो भी लापरवाही की बात इन लोगों ने की है उसकी जांच पुलिस भी करेगी, मैं भी करूँगा और जो भी आवश्यक होगा वो अमले के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आर्थिक मदद जो भी प्रावधानित है वो इनको आज ही उपलब्ध करा दी जाएगी।